नमस्कार दोस्तों, हमारी खट्टी मीठी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक तथा शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक नए तरीके से रेसिपी बताने जा रही हूँ। इस रेसिपी का नाम है आटे से पकौड़ी कैसे बनाएं। ऐसे तो मेन पकौड़ी बनता है बेसन से, और नहीं तो कई प्रकार का दाल है, मसूर का, मटर का, इस दालों से भी हम लोग उसको पीस के पकौड़ी बनाते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है तो कैसे पकौड़ी बनाएं, तो चलिए आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आटे की पकौड़ी बनाने के लिए मुझे कौन कौन सा सामान चाहिए, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बार पकौड़ी बना दी आटा का तो बेसन भूल जाएंगी दुकान से खरीदना। अगर आपके घर पे कोई आ जाता है अचानक, तो आपके घर में बेसन नहीं है और उनको नाश्ता देना है तो कैसे देंगी? बेसन भी नहीं है और दुकान भी नहीं खुला है, तो आपके घर में आटा तो ज़रूर होगा। और नहीं भी आपके घर में, अड़ोसी पड़ोसी से भी आप मांग करके ला करके झटपट आटा से पकौड़ी बेसन जैसा टेस्टी बना सकती हैं। अगर आप किसी को नहीं बताती हैं कि आटे के पकौड़ी है, तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि आटा का आप बनाई थी या फिर बेसन का बनाई थी। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सामान हमको चाहिए। तो आप यहाँ देख सकती हैं, एक कटोरी आटा है और आधा कटोरी पालक है। मैं इसको अच्छे से धो कर के काट के रख ली हूँ। और यहाँ पे देखिए, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, मैं इसको अच्छे से लंबी शेप में काट के रख ली हूँ। और यहाँ पे एक कप पानी है, मुझे गूंथने के लिए ज़रूरत पड़ेगा पानी का। एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन, और यहाँ पे हरी मिर्च है, मैं इसको काट के रख ली हूँ। यहाँ पे देखिए, लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आप यहाँ देख सकती हैं, गैस पे एक पैन रखी हूँ, इसमें मैं डाली हूँ रिफाइंड तेल पकौड़ी को छानने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बर्तन ले लेती हूँ, इसमें डालूँगी आटा, और उसके बाद फिर मैं डालूँगी जीरा, अजवाइन, हल्दी पाउडर, हरा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, पालक, प्याज। अब मैं यहाँ पे देखिए अच्छे से मिला लेती हूँ कि अच्छे से प्याज वगैरह जो है अच्छे से आटा में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अब इसको गूंथूंगी। जैसे हम पकौड़ी बेसन का छानने के लिए तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम आटा की भी पकौड़ी छानने के लिए उतना ही गीला हमको रखना है। तो देखिए, न तो ज़्यादा गीला है न ज़्यादा टाइट है, तो बहुत अच्छा है। अब पकौड़ी छानने के लिए तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं, गैस पे तेल भी गर्म हो रहा है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब मैं पकौड़ी के डालूंगी। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब मैं कढ़ाई में पकौड़ी को छानूंगी। आपको जितना बड़ा छानना है उतना बड़ा साइज का छानिए। देखिए मेरा ना तो ज़्यादा छोटा है ना तो बड़ा, मीडियम साइज का पकौड़ी बन रहा है। जितना तेल में आए आप उतना ही पकौड़ी कढ़ाई में डालें। तो आप यहाँ देख सकती हैं, जितना आया है कढ़ाई में मैं उतना ही पकौड़ी डाली हूँ। अब मैं पौनी से ऊपर नीचे कर दूंगी कि दोनों साइड अच्छे से पकौड़ी ब्राउन हो जाए। याद रखें, तेज आंच पे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बनाऊंगी, तब अच्छे से कुरकुरे पकौड़ी बनके तैयार होंगे। देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या कोई देखेगा तो मालूम चलेगा कि ये आप बेसन की पकौड़ी नहीं बनाई है, आटा के बनाई है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो आप अपने घर पर आए हुए मेहमान को ऐसे झटपट नहीं है बेसन तो ऐसे ही नाश्ता कराइए पकौड़ी चाय का। बहुत अच्छे से दोनों तरफ ब्राउन हो गया है, कुरकुरे पकौड़ी हो गए हैं। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए इसी प्रकार से बाकी के बचे हुए पकौड़ी को मैं कढ़ाई में छान लूंगी। तो देखिए ये भी पकौड़ी अच्छे से दोनों तरफ ब्राउन और कुरकुरे बन गए हैं, इसको भी मैं बर्तन में निकाल लूंगी। तो आप भी अपने किचन में ज़रूर बनाइएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आटा की पकौड़ी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा पकौड़ी बनके तैयार हो गया है, चाय के साथ ही पकौड़ी खाने के लिए रेडी है प्लेट में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं अगली वीडियो में मिलूंगी इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।